केंद्र व राज्य सरकार की मजदूर कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के कर्मचारी संघों के साझा मंच के आह्वान पर 8 व 9 जनवरी 2019 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी, जिसको लेकर आज अंबेडकर पार्क में पीतल मजदूर यूनियन एवं ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी विभागों को पूंजीपतियों के हाथों में सस्ते में बेचा जा रहा है। पेंशन, न्यूनतम वेतन, 8 घंटे का कार्य दिवस, पक्की नौकरी, सस्ता राशन, शिक्षा व इलाज, समान वेतन यूनियन बनाने और संगठित आंदोलन के द्वारा लड़ाई लड़कर सामूहिक सौदेबाजी से अपने अधिकार लेने के प्रावधानों को एक एक करके छीना जा रहा है। इन हालात से बचाव के लिए सभी केंद्र ट्रेड यूनियन को संघर्ष के साझा मंच पर आना पड़ा है। इस साझा मंच द्वारा 2009 से आंदोलन चलाया जा रहा है। लगातार ये मुरादाबाद की कल में कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे, सिर्फ कानूनों का कोई मान हमारी बात नहीं मानी जा रही थी, तो हमारा आंदोलन चल रहा है। इसी को लेकर एक ट्रेड यूनियन AIUPUC ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर के आह्वान पर और 10 केंद्रीय संघों के माध्यम से उनको सबको मिल करके हमने हड़ताल का आह्वान किया आने वाली 8 जनवरी और 9 जनवरी को पूरा मुरादाबाद की तरफ, और उसी को लेकर के चर्चा हो रही है। किसी को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा, ESI की सुविधा नहीं मिल रही, बोनस नहीं मिल रहा, उनसे बदतमीजी गाली गलौज की जाती है, मजदूरों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, तो उनको उनका अधिकार मिलने चाहिए। इसी को लेकर के हम ये चर्चा कर रहे हैं और इसमें आंदोलन के आगे की तैयारी कर रहे हैं और सभी मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में हम बता रहे हैं, जो हमारा हक है, अधिकार है, वो हमें मिल सकता है।